खेलने में सफल हुई है। लुमा देखना है क्या कुछ करते हैं अपनी इस लड़खड़ाती टीम के पारी के लिए। अभिषेक सामना करेंगे लुमा, वाइड एक अतिरिक्त रन। अभिषेक निश्चित तौर पर एक अच्छे गेंदबाज, मगर बारंबार अतिरिक्त गेंद करने से खुद को रोक नहीं पा रहे। इन्हें अगर एक अच्छा गेंदबाज बनना है आने वाले भविष्य में तो अपने इस एक्स्ट्रा देने की गलती को काबू में करना पड़ेगा। लूमा सामना करेंगे अभिषेक का, वाइड वाइड ओवर की दूसरी गेंद। सामना करेंगे लूमा, खेलना चाहते थे इस गेंद को, हाँ ना मगर जब तक फील्ड होके विकेट कीपर के दस्तानों में जाती है, एक रन आराम से पूरा किया। दूसरा ओवर, इस एक रन के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 4 के कुल योग पर। बहुत ही धीमी शुरुआत वीर एंड रिदान लगन की इस फाइनल के मुकाबले में। निश्चित तौर पर अगर आपको स्टार बॉयज खुशी 11 को मात देनी है इस फाइनल के मुकाबले में तो आपको एक उत्कृष्ट क्रिकेट, एक उत्कृष्ट बल्लेबाजी गेंदबाजी का नमूना पेश करना होगा। अगर आप इसी रफ्तार से बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर स्टार बॉयज खुशी 11 को ये फाइनल जीतने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना होगा। देखना है क्या कुछ करते हैं अभिषेक। सामना करेंगे शंकर, और एक फॉलो बैक में कैच का चांस ड्रॉप करते हुए अभिषेक। एक बहुत बड़ा धक्का हो सकता था ये वीर एंड रिदान 11 टीम के लिए। इस एक रन के साथ टीम का टोटल स्कोर 5 के कुल योग पर। निश्चित तौर पर सभी गेंदबाजी, अभिषेक ज्यादा टाइम ना ले पाजी। स्प्रे स्प्रे तो शायद नहीं है, स्प्रे आयोजक मनीष दा नहीं है, नहीं है, नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी। था आयोजकों ने इस आयोजन में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर आज इतनी चोटें, इतना एफर्ट देखने मिला हमें इस मैदान में कि सारा स्प्रे खत्म हो गया है। मिल गया, मैंने कहा था कि आयोजकों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है इस आयोजन में, मगर अंपायर से अनुरोध करूंगा कि जरा पांडु शेट लवकरात लवकर बाहर आवा। बॉल तीन तीन बॉल, तीन बॉल, 3 to go। पांडु शेट बाहर, चौथी गेंद। सामना करेंगे लूमा, मगर एक अतिरिक्त गेंद, एक बार फिर से अतिरिक्त रन। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अभिषेक को अगर एक अच्छा गेंदबाज बनना है निकटतम भविष्य में तो अपनी इस गलती को सुधारना होगा, अन्यथा उन्हें और उनकी टीम को एक फाइनल का भुगतान करना पड़ सकता है। इसी बीच लड़ते झगड़ते अभिषेक ओवर की चौथी गेंद उठाकर खेलना चाहते थे लूमा, कुछ खास करने में असमर्थ और असमर्थ। वहां पर खड़ा फील्डर, एक फंबल दिखने मिला हमें, और जब तक उसे फील्ड करके थ्रो करते आराम से 2 रन पूरा किया। इस 2 रन के साथ टीम का टोटल स्कोर 8 के कुल योग पर। अभी भी जो शुरुआत, जो आक्रामकता वीर एंड रिदान 11 से फाइनल के मुकाबले में देखने देखने की उम्मीद लगाई थी सभी दर्शकों ने, अभी तक फाइनल उस स्तर का देखने मिला नहीं है। निश्चित तौर पर आने वाली गेंदों में बड़े फटके देखने मिलेंगे बल्लेबाज लूमा से। अभिषेक की गेंद, सामना करेंगे और एक उत्कृष्ट फील्डिंग का नजारा यहां पर पेश किया है फील्डर गणेश। निश्चित तौर पर 5 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। अभी
पांच गेंद 9 रन का कुल योग, सामना करेंगे शंकर। गेंदबाज अभिषेक, इनका अभिषेक जो कि कभी दिशा भटक जा रहे हैं अभी तक। एक बार फिर रन उठाकर खेलना चाहते थे और निष्फल हुए बल्लेबाज शंकर, और सीधे ओवर की समाप्ति पर, 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल योग 9, 3 विकेट के नुकसान पे। अभिषेक हो सकता है, मैं इसके लिए नहीं देख रहा छोटे, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग को लग रहा है मैं हूँ। बैट्समैन नेम प्रणय, बॉलर में नरेश झा साहब। इस बीच उनका हमारे आयोजकों की तरफ से, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस आयोजन में अपना सहर्ष सहयोग दिया। सेकंड प्राइज इस टूर्नामेंट में आपने प्रदान की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष दादा पवार, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हेलो नरेश भाई का आप शॉल और पुष्प गुच्छ लेकर उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां नरेश भाई के लिए। बॉलर्स नेम प्लीज, राहुल एक उत्कृष्ट गेंदबाज जिन्होंने अपनी टीम के लिए अभी तक सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया है गेंदबाजी से। देखना है क्या कुछ करते हैं फाइनल के मुकाबले में अपनी टीम के लिए। सामना करेंगे बल्लेबाज लूमा, नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज प्रणय जिन्होंने 6 मारकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने का काम किया था। एक फुल टॉस गेंद, एक अच्छी फील्डिंग का नजारा, जब तक फील्ड करके थ्रो करते एक रन आराम से पूरा किया। इस एक रन के साथ टीम का टोटल स्कोर 10 के कुल योग पर। 2 ओवर 1 गेंद 10 का कुल योग। निश्चित तौर पर जो धूम धड़ाके की उम्मीद यहां पर दर्शकों ने लगाई थी फाइनल के मुकाबले में, वो आशिक और सचिन ये दो डेंजरस बल्लेबाजों के वापस जाने के बाद से बिल्कुल भी शांत नजर आए हैं वीर एंड रिदान 11 के बल्लेबाज। इस बीच ओवर की अगली गेंद राहुल टू प्रणय डॉट चेंडू, प्रणय वो बल्लेबाज जिसने वंडर बॉय प्रणय पाटिल उठाकर खेलना चाहते थे इस गेंद को। एक आसान सा कैच अमय इनके हाथों में, ये कोई खास प्रदर्शन करने में असफल। अब उनकी जगह भरने के लिए मैदान पर अक्षय काफी खुश नजर आते हुए, स्टार बॉयज खुशी 11 के को ओनर भाग्यवान चौहान, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। 4 लोगों ने मिलकर बनाई ये टीम, 4 ओनर्स और न जाने कितने ही अनगिनत सपोर्टर्स, इनके दम पे आज इन्होंने ये फाइनल का टिकट अपनी टीम के लिए प्राप्त किया था। वंडर बॉय बैट्समैन नेम अक्षय, वंडर बॉय कुछ वंडर करने में कामयाब नहीं रहे और पवेलियन में वापस आके बैठना पड़ा है। देखने क्या कुछ करते हैं अक्षय, राहुल के खिलाफ उठाकर खेल दिया है, जब तक फील्ड करते थ्रो करते आराम से एक रन पूरा। और बैटिंग एंड पर लूमा, वाइड एक अतिरिक्त रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ। इस अतिरिक्त रन के साथ टीम का टोटल स्कोर 11 के कुल योग पर। कुछ खास करने में समर्थ, तीन गेंदे हो चुकी हैं, 3 गेंदे बाकी। और नो बॉल का इशारा करते हुए पंच कंवलजीत, रिव्यू तीन
चेक। टेस्ट सिंगल डॉट विकेट, सिंगल डॉट विकेट। अक्षय एक सॉफ्ट सिंगल के साथ आप सभी लोगों से, सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग पीछे आ जाइए। लास्ट बॉल ओवर की आखिरी गेंद है और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा प्लीज बाउंड्री लाइन से दूर रहे आप लोग, क्योंकि वहां पर फील्डिंग करने वाले खिलाड़ी को चोट हो सकती है। एक अच्छी फील्डिंग का नमूना पेश करते हुए वहां पर बाउंड्री के खिलाड़ी जब तक फील्ड करके थ्रो करते विकेट कीपर के दस्तानों में एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ टीम का टोटल पहुंचा है 16 के कुल योग पर, 16 के कुल योग पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद।
आयोजक टेस्ट चेक टेस्ट बैटरी लो झाले डीजे 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 ऑपरेटर डीजे मास्टर की पहली गेंद गेंदबाज वाला एक रन जैसा कि स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विन द रेस ये कहावत मशहूर कहावत है उस पर ही अमल करते हुए वीर एंड रिदाना 11 के टीम के बल्लेबाज वन बाउंस कॉल ज्वाला को ज्वाला जो अपनी ऊंचाई लेती गेंदों के लिए फेमस अक्षय अक्षय निश्चित तौर पर इससे अच्छे शॉट्स की उम्मीद कर सकते हैं दो गेंद टीम का टोटल स्कोर 18 का कुल योग कुछ खास करने में असफल वीर एंड रिदान लवन के बल्लेबाज बैट्समैन लूमा सामना करेंगे ज्वाला इनका तीसरी गेंद ओवर की निश्चित तौर पर इसको एक बड़े फटके में तब्दील करने में असमर्थ कुछ खास करने नहीं दे रहे बल्लेबाजों को झगड़ के रखा है स्टार बॉयज खुशी लेवन के गेंदबाजों ने अभी तक तीन ओवर तीन गेंदे और मात्र 19 का कुल योग देखने वाली बात होगी क्या अक्षय अपनी टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान आखिरी के तीन गेंदों में कर पाते हैं या नहीं ज्वाला जो अभी तक अपने बल्ले से आग उगल रहे थे एक साधारण सी गेंद एक साधारण सी गेंद और एक अद्भुत फटका उस गेंद पर इस 6 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 25 के कुल योग पर आने वाली दो गेंदे शेष ज्वाला के ओवरों की ज्वाला जिनसे काफी उम्मीदें हैं स्टार बॉयज खुशी इलेवन को अभी तक कुछ खास करने में असमर्थ गेंदबाजी में ज्वाला सामना करेंगे अक्षय एक बार फिर उठाकर खेला मगर इस बार असफल बल्लेबाज अक्षय एक अच्छे शॉट मगर एक बुरे अंत की समाप्ति सीधे खिलाड़ी के हाथों में और पवेलियन की तरफ वापस आते हुए बल्लेबाज अक्षय वेल बैटिंग अक्षय जहां पर सबने सिंगल डबल पे विलीव किया आपने एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का काम किया और इस फाइनल का पहला छक्का आपके बल्ले से आया बैट्समैन नेम प्रियांशु प्रियांशु अगर इस आखिरी गेंद पर प्रियांशु छक्का लगाने में कामयाब होते हैं तो सूरज सिंह इनकी तरफ से 2001 रुपए का पारितोषिक अभी भी आखिरी दो गेंदों में अगर एक भी चार बॉल दो बाकी पांच बॉल दो सिंगल एक सिक्स एक विकेट तीन सिंगल भाई हमारी गलती है हम सॉरी है क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है और जो हमारे कमेंटेटर थे वो थक भी काफी चुके हैं आउट झाले अक्षय प्रियांशु एक अच्छे गेंद को मिस किया इन्होंने वरना 2001 का पारितोषिक इनको लागू होता और इसी बीच एक बड़ा अनाउंसमेंट वीर एंड रिदान 11 अगर ये मैच जीतती है तो शिव प्रेमी ग्रुप की तरफ से 10001 रुपए का पारितोषिक लागू होगा वीर एंड रिदान 11 के लिए वीर फ्री हिट की गेंद सामना करेंगे लूमा एक साधारण सा फटका लूमा जो स्टार्ट से बल्लेबाजी करने आए मगर अंत तक कुछ कमाल ना दिखा पाए ऐसे बल्लेबाज लूमा प्रियांशु रन आउट होते हुए एक रन पूरा इस एक रन के साथ स्कोर
28 का कुल योग, चार ओवरों में 28, 29 का टारगेट वीर 11। अगर मैच जीती है तो शिव प्रेमी की तरफ से 10,001 रुपए का रोक रकम यहाँ लागू किया गया है ओनर को। बहुत 28 बनाया आपने, 29 टारगेट जिसने भी बनाया। दाजी अभी नहीं पता मालूम है क्या? अभी लास्ट मैच किसके साथ हुआ था? एमएसएफ वर्सेस ये था ना, स्टार बॉयज खुशी 11। MSF सेमीफाइनल जी, ओ सेमीफाइनल सेकंड एक इनिंग की समाप्ति पे 28 का कुल योग टारगेट दिया है स्टार बॉयज खुशी 11 के बल्लेबाजों को 29 का, चार ओवर में 29। जिस फॉर्म में, जिस नसीब के घोड़े पे सवार हैं हमें, निश्चित तौर पर ये स्कोर काफी छोटा उनके समय सामने। बल्लेबाज ज्वाला, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज अमय, बॉलर नेम शंकर। माहिती है शंकर। गेंदबाजी एंड पर अपनी टीम के लिए कुछ खास करने का जुनून। चेक माइक चेक आवाज।
हेलो। एक बड़ा झटका लगते हुए स्टार बॉल 11 इस टीम को ज्वाला नाम की जो आंधी थी उसे खामोश करने में कामयाब। गेंदबाज शंकर चुना, आयोजक आयोजक भाग्यवान भाई चुना। वीर 11 के गेंदबाजों के लिए सुवर्ण संधि। प्रत्येक हैट्रिक पे 1111 का पारितोषिक किरण पाटिल इनके तरफ से। प्रत्येक हैट्रिक पे 1111 एक सुवर्ण संधि गेंदबाजों के लिए। सूरज सिंह इनकी तरफ से भी प्रत्येक हैट्रिक पे 1111। आखिरी मैच पैसों की बरसात प्लेयर्स पर हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक एक साधारण फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए वीरेंद्र रिधान इलाके के फील्डर मंग्यादा। काफी उम्रदराज खिलाड़ी मगर अभी भी जज्बा वो जुनून जिंदा और मिसाल है सभी यंगस्टर्स के लिए कि उम्र कभी भी मैटर नहीं करती। आपकी चाहत होनी चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए सभी। आकर इस गेंद पर अंपायर्स डिसीजन जल्द से जल्द बताएं। सिक्स सिक्सर। मैंने पहले ही कहा था कि ये जो बल्लेबाज है हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो चेक डेली डॉट बॉल। निश्चित तौर पर लूमा अपने इस टीम के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने अपने गेंद और बल्ले से अपना जलवा दिखाया है। बहुत सारी उम्मीदें हैं यहाँ पर हमारे सभी फ्रेंड्स को कि लूमा कुछ चमत्कार कर दिखाएंगे अपने इस टीम।
वीर एंड रिदान 11 के लिए। दोन चेंडू 8 धावा अजूनही शिल्लक आहेत। 4 चेंडू लुमा 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 निश्चित तौर पर अपनी गेंद से बल्लेबाज को घुमाने में कामयाब। वंडी डिक्लेयर जोन में, डिक्लेयर जोन में ये गेंद, डिक्लेयर जोन में ये गेंद। कवल पाजी, कवल पाजी डी है, डी 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 कंफर्म किया। आशिक 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 कवलजीत पाजी एक जाने माने खिलाड़ी होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट अंपायर भी है। इन्होंने ये भूमिका पहले भी कई बार निभाई है तो उन पे डाउट करना बिल्कुल भी उचित नहीं। इसी बीच लुमा के अगली गेंद उठाकर खेलना चाहते थे। बिल्कुल मैंने जैसे बताया था कि इस टीम के गोल्डन आर्म है ये लुमा, और इस मेरी बात को साबित करते हुए चार बॉल, दो चेंडू बाकी, दो बॉल बाकी, उठाकर एक साधारण सी गेंद, एक बहुत ही साधारण गेंद और उठाकर खेल दिया इस गेंद को सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। 6 रन के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 15 के कुल योग पर। अब जीतने के लिए इस टीम को और 14 रनों की जरूरत, 14 13 गेंदों में 14 रन। जिस तरह से हमें बैटिंग कर रहे हैं काफी मुश्किलें पैदा करते हुए वीर एंड रिदान 11 के लिए, मगर देखना है क्या कुछ तीर अपने तरकश में रखा है लुमा इस गेंदबाज ने, क्योंकि निश्चित तौर पर सारी वीर एंड रिदान 11 की टीम, ओनर और सभी दर्शकों की उम्मीद इस गेंदबाज लुमा से सामना करेंगे। आखिरी गेंद निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ तो तरकश में तीर रखा है और ईट का जवाब पत्थर से देते हुए गेंदबाज लुमा निश्चित तौर पर अभी भी कमबैक करने की उम्मीद वीर एंड रिदान 11 के लिए। आने वाले 12 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता इस टीम को। स्टार बॉयज खुशी 11 एक पहाड़ जैसा बल्लेबाज अभी भी मैदान पर, आशिक इसकी टीम को जीतने के लिए इस पहाड़ को जल्द से जल्द पवेलियन का रास्ता दिखाना होगा अगर ये फाइनल की चमचमाती ट्रॉफी अपने घर ले जाना चाहते हैं आशिक शाहजी। तो अपने ही हाथों में गेंद, निश्चित तौर पर मुझे पता था कि ये जो रिस्क है वो आशिक अपने कंधों पर लेंगे। बैट्समैन नेम प्लीज, सचिन, सचिन कोंडालकर। अब 12 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत, स्टार बॉयज खुशी 11 इस टीम को। गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, जब भार उठाना हो टीम का तो अपने कंधों को आगे करते हैं आशिक हर बार। आशिक, आशिक से काफी उम्मीद है वीर एंड रिदान के ओनर और दर्शकों को। निश्चित तौर पर अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा, जो कल से इन्होंने परफॉर्म किया उसको आज जायज ठहराना है। पहली गेंद ओवर की, सामना करेंगे एक सदी हुई बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए बल्लेबाज रोहन। मैंने पहले ही कहा था कि ये बल्लेबाज एक पहाड़ सा पेश आने वाला है अगर ये चमचमाती ट्रॉफी अपने घर ले जानी है आशिक को, तो इस बल्लेबाज को जल्द से जल्द पवेलियन में वापस भेजना होगा। इस बीच ओवर की दूसरी गेंद, सामना करेंगे सचिन और आशिक की सेम गेंद को सेम जगह पर खेल दिया। अगर यही
दो बॉल दो रन। इस दो रन के साथ टीम का टोटल स्कोर 17 के कुल योग पर 10 गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता। आशिक को बस यही कहना है कि अगर आप सेम जगह पर सेम गेंदे पटकते रहेंगे तो आपको आसानी से बल्लेबाज नो मैन्स लैंड में धकेल कर पूरा करेगा और आपकी टीम के लिए खतरा पैदा करेगा। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद, ओवर की तीसरी गेंद और सदी हुई गेंदबाजी आशिक इस गेंदबाज की। काफी जान लगाते हुए इस मैच में आशिक अपनी टीम के लिए उनके चाहने वाले यहां पर बारंबार मुझे याद दिला रहे हैं कि अगर वीर 11 ये टीम विजयी होती है तो उस टीम के ओनर को 10,001 रुपए का रोग रकम पारितोषिक। और एक कैच हो सकती थी, एक कैच हो सकती थी मगर विकेट 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 कैच ना ले पाने का मलाल जरूर होगा मगर विकेट मिला ये भी खुशी की बात है। अब तक तीन गेंदों पर तीन रन खर्च किया है आशिक, चार गेंदों पर तीन रन खर्च किया आशिक ने। फटाफट आशिक फटाफट अभिषेक मूर्ति लहान पनकीर्ति महान ऐसे कद के खिलाड़ी मैदान में एंट्री करते हुए अभिषेक जिन्होंने अपने गेंदबाजी के दम पे अपना लोहा मनवाया इस एलपीएल टूर्नामेंट में और उन्होंने साबित करके दिया है कि ना एज ना हाइट ना फाइट जब आपके अंदर जज्बा और जुनून हो तो आपके सामने कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो वो निश्चित तौर पर आपके उस जज्बे से हारेगा। इसी बीच मेरे सामने कमेंटेटर्स कक्ष के जस्ट बाहर एक उत्कृष्ट ऑलराउंडर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, ओवर की अगली गेंद और एक बार फिर अभिषेक इस खिलाड़ी ने यह दर्शा दिया है कि आशिक अगर इस एलपीएल के सबसे चहेते खिलाड़ी हैं तो मैं भी उनसे अपनी बराबरी करने में पीछे नहीं हूं। एक सदी हुई बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए बल्लेबाज अभिषेक। ओवर की अगली गेंद, ओवर की अगली गेंद उठाकर खेलना चाहते थे। देखना है अंपायर डिसीजन क्या होगा। अंपायर सॉफ्ट सिग्नल हो डीआरएस स्कोर डीआरएस ना हो रन आउट सच बगतो कनाडा टेंशन देतो तू मी कला बघू हा ना इकडे अरे मनीष भाई बोल रहे विकेट 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 एक रन टोटल स्कोर और ये क्या ये तो काफी बड़ा झटका है। जस्ट मैंने रियलाइज किया कि ये वो बल्लेबाज है जिसने अपने दम पे इस टीम को फाइनल का टिकट दिया था और इस बल्लेबाज का फाइनल के मुकाबले में ऐसे वापस आना काफी निराशाजनक। कॉल्स अगर आपके इम्प्रॉपर होंगे तो आपको खामियाजा अपने विकेट के रूप में 6 गेंदों पर 7 रन। आशिक से ज्यादा रन हो गए इसका भी विकेट लिया। हाँ आशिक ने अंतिम के 6 गेंद बॉलिंग एंड पर सौरभ सामना करेंगे अभी तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, मुझे लगता है एलपीएल के इस संस्करण के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। इस टूर्नामेंट में कम उम्र के खिलाड़ियों का जलवा रहा है। पहली गेंद पर उठाकर दे मारा अभिषेक।
इस बल्लेबाज ने सौरभ के इस गेंद पर हो गया सिक्स मार दिया और अभिषेक के इस सिक्स से सिक्स से खुश होकर हर्षित तिवारी इनकी तरफ से 501 रुपए का पारितोषिक लागू। एक रन पाइजे रावे इलेवन की जर्सी पहनकर स्टार बॉयज खुशी इलेवन को चीयर करता हुआ ये शेर की खाल में भेड़िया सभी लोगों को भाग्यवान सभी लोगों को पहले से वार्निंग कर रहा अगर किसी का पैर ग्राउंड के अंदर दिखा मैं 3 रनों की पेनल्टी लगा दूंगा। मैच विन होने से पहले अगर किसी का भी पैर ग्राउंड के अंदर दिखेगा मैं 3 रन की पेनल्टी लगा दूंगा। आप सभी लोग पीछे आओ दाजी लक्ष्मण रेखा पार करू नगा लक्ष्मण रेखा पार करो मैं 3 रनों की नहीं 5 रनों की पेनल्टी लगाऊंगा। मैं ज्वाला तुम्हारे में 16 थे फिर तुम्हारे में 4 खेल रहे थे। ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे गोटिया और बाबा अपने कलाइयों का इस्तेमाल करके यहां पर सिंगल अर्जित किया है। सिंगल से मैच विन हो चुका है अभिषेक सिंगल से मैच विन हो चुका है अभिषेक। इस LPL टूर्नामेंट के तीसरे संस्करण के विजेता स्टार बॉयज खुशी इलेवन दमदार परफॉर्मेंस यहां पर प्रस्तुत किया इस संस्करण में। आप सभी 16 टीमों ने जिन्होंने सहभाग लिया